रतन टाटा के वसीयत नामा का हुआ खुलासा, जाने किसके नाम हुई कितनी संपत्ति। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। रतन टाटा के निधन के बाद कई लोगों के बीच रतन टाटा के उत्तराधिकारी की चर्चा थी, क्योंकि रतन टाटा ने कोई शादी नहीं की तो उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। सभी के बीच ये कौतूहल था कि आखिर रतन टाटा के उत्तराधिकारी कौन होंगे। लेकिन अब टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और परोपकारी उद्योगपति रतन टाटा का हाल ही में वसीयतनामा सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने पेट डॉग टीटो, अपने हाउस स्टाफ और बेस्ट फ्रेंड कहे जाने वाले शांतनु नायडू के प्रति अपनी गहरी भावनाएं व्यक्त की हैं। रतन टाटा ने अपने जर्मन सेफर्ड टीटो की देखभाल की जिम्मेदारी अपने रसोइये राजन सौ को सौंपते हुए ये इच्छा जताई है कि टीटो की देखभाल के लिए होने वाला खर्च उनकी संपत्ति से पूरा किया जाएगा। रतन टाटा की कुल संपत्ति लगभग 10,000 करोड़ रुपए की आंकी गई है। इसमें नगद कंपनी की हिस्सेदारी और अचल संपत्ति शामिल है, जैसे कि मुंबई के अलीबाग में समुद्र के किनारे स्थित एक बंगला, जुहू तारा रोड पर एक 2 मंजिला मकान और 350 करोड़ रुपए से अधिक की फिक्स्ड डिपॉजिट। उनके वसीयत नामे में संपत्ति का वितरण रतन टाटा एंडोमेंट और 2 सौतेली बहनें सिरीन और डिन्ना जीजी भाई के बीच किया गया है। इस वितरण में उनके हाउस स्टाफ और अन्य करीबी लोगों को भी शामिल किया गया है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। टीटो के लिए विशेष प्रावधान करते हुए रतन टाटा ने यह सुनिश्चित किया है कि उसकी देखभाल पूरी तरह से राजन सौ करेंगे। रतन टाटा ने अपने मित्र शांतनु नायडू के लिए भी खास ध्यान रखा है। उन्होंने नायडू की स्टार्टअप अपनी गुड फेलो में अपनी हिस्सेदारी छोड़ने की बात कही है और साथ ही नायडू द्वारा लिए गए पर्सनल लोन को भी माफ कर दिया है। ये तब का लोन है जब नायडू विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। रतन टाटा का ये वसीयतनामा उनके करीबी लोगों से प्यार को दर्शाता है। उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के शेयर भी शामिल होंगे। ये उल्लेखनीय है कि रतन टाटा ने अपने पेट डॉग टीटो की देखभाल की व्यवस्था की है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी उद्योगपति ने अपने वसीयत में अपने पालतू जानवर के लिए इस तरह से प्यार दिखाया हो। रतन टाटा का प्यार जानवरों के प्रति भी व्यापक रूप से जाना जाता है। उन्होंने बॉम्बे हाउस में कुत्तों के लिए एक स्पेशल कैनल बनवाया था, जहां आवारा कुत्तों को भी संरक्षण दिया जाता था। उनकी ये पहल दर्शाती है कि वे केवल व्यापार ही नहीं बल्कि समाज और जानवरों के प्रति भी जिम्मेदार रहे। उनकी संपत्ति का ध्यान रखने के लिए रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन यानी RTEF का गठन भी किया गया है, जिसका नेतृत्व अब N चंद्रशेखरन कर सकते हैं। रतन टाटा का जीवन और उनकी वसीयत उनकी दरियादली और मानवता के प्रति उनके प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने न केवल अपने परिवार और मित्रों का ध्यान रखा बल्कि जानवरों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना भी दिखाई। उनकी विरासत आने वाले समय में हमेशा याद रखी जाएगी और उनके द्वारा स्थापित किए गए चैरिटेबल ट्रस्ट समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करेंगे। रतन टाटा ने अपने जीवन में जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो प्रेरणादायक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप रतन टाटा के इस वसीयतनामे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।